चलो ये लो, खुद बनाया मैंने। कुछ भी खाओगी पियोगी नहीं तो फिर ठीक कैसे होगी? ठीक किसने होना है? तुमने होना है और किसने होना है? शादी वादी नहीं करनी क्या? तो ऐसे कह रही हूँ जैसे सब ठीक हो जाएगा, सालार भाई मान जाएंगे। हाँ तो हो जाएगा सब ठीक, मैं सब ठीक कर दूंगी। तो कैसे ठीक करोगी आप? उसकी जिद मान के। मैं सालार से शादी करूँ। समझ में नहीं आ रहा, ऐसे ऐसे कैसे कर सकती है वो? आजान और वो कई सालों से एक बंधन में बंधे हुए हैं। बचपन से वो दोनों एक दूसरे को अपना मानते हैं, वो कैसे इस रिश्ते को खत्म कर सकती है? मैं भी उसे यही समझा आ रही थी। मैं बात करती हूँ उससे। मम्मी प्लीज सख्ती से मत पूछिएगा, प्यार से समझाइएगा। इस वक्त वो अपने हवासों में नहीं है। क्या समझाएंगी मुझे? यही कि तुम मेरी वजह से ये बेवकूफी मत करो। मैंने खुद को समझा लिया और सुफियान ने भी फैसला किया कि वो ये जिद नहीं मानेगा। तुम जी लोगे उसके बगैर? जिस जुदाई की बात पर आंखें भर आए, मतलब वहां धोखा नहीं दिया जा सकता दिल को। मान लो मेरी बात, मैं जी लूंगी सुफियान के बगैर, रह लूंगी। फिर जी लोगी उसके बगैर? तुम एक सेकंड नहीं रह सकती उसके बगैर। वो तुम्हें फोन नहीं करता, तुमसे बर्दाश्त नहीं होता, तुम्हारे फोन पे मैसेज की टोन आती है, तुम फौरन भागती हो अपने फोन की तरफ और तुम कह रही हो कि तुम जी लोगी उसके बगैर। देखिए यारे मन जुम्मा से इतवार रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।